नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। मोनालिसा का नाम अब भोजपुरी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। बिग बॉस में आने के बाद उन्हें देश भर से प्यार मिला है। वो घर घर में पहचाने जाने लगी हैं। उन्होंने भोजपुरी की 125 से ज़्यादा फिल्मों में अपना काम किया। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ डांस और अपनी अदाओं के लिए भी जानी जाती हैं। खास बात यह है कि मोनालिसा ने अपने दम पर भोजपुरी फिल्मों में नाम कमाया है। उन्होंने हिंदी, भोजपुरी के अलावा बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन उन्हें ये शोहरत थाली में परोसकर नहीं मिली, बल्कि इसे पाने के लिए मोनालिसा को कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। मोनालिसा गरीबी में पली बढ़ी हैं। अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए उन्होंने होटल में काम किया है। चलिए जानते हैं भोजपुरी की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मोनालिसा की जिंदगी से जुड़े वो किस्से जो आप नहीं जानते होंगे। मोनालिसा का असली नाम अंतरा बिस्वास है। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा। साल 1991 में आई आर्थिक मंदी का उनके घर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। उनके पिता का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया था। मंदी के ऐसे दौर में मोनालिसा अपने परिवार के साथ खड़ी हुई और 15 साल की उम्र में कोलकाता के होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू कर दी। मोनालिसा को यहाँ काम करने के लिए रोजाना सिर्फ 120 रुपए मिलते थे। इन पैसों से वो अपने घर की मदद किया करती थी। मोनालिसा को बचपन से डांस का बेहद शौक था। वो खुद को सिनेमा जगत के लिए तैयार करने लगी थी, लेकिन उनके घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी। उन पर उनके रिश्तेदार हंसते थे। रिसेप्शन पर काम करने के दौरान ही एक बंगाली फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इसके बाद मोनालिसा ने मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्सेप्ट में हिस्सा लेना शुरू किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और साल 1997 में हिंदी फिल्म जयते में काम मिला। मोनालिसा ने अपने करियर की शुरुआत में तमाम छोटे मोटे रोल किए। उन्होंने बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसी भाषाओं में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान भोजपुरी फिल्मों से मिली। वो भोजपुरी फिल्म कहां जईबा राजा नजरिया लड़ाई के में पहली बार दिखी। इसके बाद उन्होंने कभी पलट के पीछे नहीं देखा और आज वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। अंतरा बिस्वास को मोनालिसा नाम से उनके चाचा बुलाते थे और फिल्मों में कदम रखने के बाद उन्हें चाचा के दिए नाम को पहचान बनाया और आज दुनिया में उन्हें मोनालिसा नाम से ही जाना जाता है।